जब आपको जिमाई आए तो अपने मुंह पर हाथ रखे। यह हदीस कैसा नहीं है, तालिब इलम जो हमारा दर्श में शरीक है उस गरीब को जिमाई आई, चाय का असर कम हो गया, नींद का बढ़ता है, किसी अफ्यूनी से कहा ना कि अफ्यून में अफ्यून क्यों डालते, उसने कहा चाय का असर बढ़ाना होता है। जब आपको जिमाई आने लगे, ये लम्हा है, शैतान ने आपको कमजोर करना है, तो पैगंबर ने दो बातें कही। एक बात ये कही कि फल यदफा मस्तफा, जहां तक हो सके जिमाई आने न दे। अल्लाह जिमाई मुंगरत अब आसाई हुआ पुख्तों के, अब आसाई हुआ तुम पुख्तों के, जहांगीरी पुख्तों के होता अब आसाई। और खुदा मुझे तासवतार मेवा के सोत अग्र मेवा तो आए खुलावाजगी टुल जिसमें कमजोर है शी। और दूसरी हदीस इस तरह है, इदा तसावा बा अहदुकुम, जब तुम में से किसी को जिमाई आने लगे, फल यदा यदहु फी फी है, मुंह पर हाथ रखे, लेन शैतान यदखुलु फी, शैतान अंदर जाता है। शैतान बहुत खराब है, इन्नहु लकुम अदुव मुबीन, बहुत बड़ा दुश्मन है। आप मक्की से बचते हैं, चुइंटी से बचते हैं, टिंके से बचते हैं, मट्टी से बचते हैं, लेकिन शैतान जिससे इतनी बड़ी पनाह मांगते हैं, औज बिल्लाह मिनश शैतानिर्रजीम, किसी बीमारी का जिक्र आप नहीं करते, किसी दरिंदे का नहीं करते, लेकिन आप कहते हैं खुदाए शैतान के शर से बचा। आपने फरमाई जो जिमाई आने लगी शैतान अंदर जा रहा है, जाहिर शैतान मौका देखता है, ये जिस्म के कमजोर होने की घड़ी है, और दुश्मन देखता है कि जिस वक्त आदमी कमजोर होता है वो हमलावर होता है। फल यदा यदउ फी फी, मुंह पर हाथ रखे। इसको उलमा कहते हैं अत तरीकुल मुहज्जब ले दफ़ तसाव, बेहतरीन तरीका है जिमाई रोकना। जिमाई आ रही है, आपने उल्टे हाथ की उल्टी तरफ मुंह पर रखा। सिर्फ एक हालत इस सलात कयाम है कि आप कयाम में हाथ बांधे हुए हैं और जिमाई आई तो दाएं हाथ के अंदरूनी हिस्सा ये मुंह पे रखना। इस एक हालत के अलावा रुकू में, सिजदे में, कायदे में किसी वक्त भी जिमाई आए, नमाज में या नमाज के बाद, तो बाएं हाथ की उल्टी तरफ, आलमगीरी जिल्दे अव्वल उल्टी तरफ। इसको पूरा दीन कहते हैं, जब जिस मसले की जरूरत हो फौरन बयान करते हैं। हमारे फिक्र का तसलसल टूटा नहीं है, जुड़ा है, मगर बहुत खास तरीके से। आप हार होता है सोने का, जगह जगह मोतियां लगी होती है, हीरे, ये क्या है, ये बीच में जो बातें हो रही है ये है ना, वही कोई गिना तश्तरों को सोखना चाहिए, पागे के तारू नहीं, पागे की गुलू नहीं, पागे की मलगलरी की मती तश्तरों को देवलक रूप हुई, वही कि हीरी दादा शल्लक हुई। अल्लाह कीमती खबर है, कीमती मलगलरे देबा ने मैदान पोया हुई तर्जुमा होने आसान रहा, दस हजार मत हुआ सोचे दुनिया बहुत हैरान। तरीकुल मुहज्जब ले दफ़ तसाव, क्यों ये पूरा बयान कर लिया कि मुझे तकलीफ हो गई। आप तो इंसान है, बशर है, हमें भी जिमाई आती है, वही हम कोई बच सकते हैं, हमें ज्यादा खतरा है क्योंकि जो हमले आप पर है वो ज्यादा मुझ पे करेगा कि ये हट जाए, एक तरफ हो जाए। तो आपको नसीहत से मुझे भी फैज होगा और अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए तो बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह।